दोस्तों आज से कुछ दिन पहले साइंसदानों ने जुपिटर के रेड स्पॉट में ना समझ आने वाली तब्दीलियों को देखा है। इस रेड स्पॉट को साइंसदानों ने काफी देर पहले डिस्कवर किया था, लेकिन आज तक वो इसमें छुपे राजों के बारे में नहीं जान पाए। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों का पता लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर नासा ने इस बहुत बड़े स्पॉट के अंदर क्या देखा, और ये भी जानेंगे कि आखिर ये रेड स्पॉट किस वक्त बना था, क्या इसकी कोई सरफेस है, आखिर ये स्पॉट कितना बड़ा है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 1665 में एक इटालियन साइंसदान जुवेनियो कैसिनी ने जुपिटर का एक स्केच बनाया। उस स्केच में रेड स्पॉट का कलर डार्क था और बहुत बड़ा नहीं था। 1711 में एक इटालियन पेंटर ने एक और स्केच बनाया और इस स्केच में इसने जुपिटर के असल रंग का पता लगाया, लेकिन लोगों को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने ये समझा कि यह कोई समुंदर या वोल्केनो के ऊपर वाला हिस्सा है, लेकिन साइंसदानों ने फौरन ही महसूस कर लिया कि ये एक बहुत बड़ा तूफान है जिसका साइज हमारी जमीन से भी बड़ा है। लेकिन अगर स्केच और पेंटिंग को देखा जाए तो यहाँ पर जुपिटर का रेड स्पॉट साउथर्न हेमिस्फीयर की बजाय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन जुपिटर पर तो कोई भी स्टॉर्म इक्वेटर को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए इस बात ने साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर किया कि 400 सालों के अंदर ये स्पॉट असल में जुपिटर का दूसरा स्पॉट है, यानी ये जुपिटर पर पड़ने वाला दूसरा बहुत बड़ा तूफान है। सोचने की बात ये है कि आखिर जुपिटर का पहला तूफान कैसे गायब हुआ और दूसरे वाला स्पॉट जुपिटर की सरफेस पर कैसे जाहिर हुआ। इसका जवाब बहुत ही आसान है। पुराने टेलीस्कोप के ऑप्टिकल फीचर की वजह से उन्होंने जुपिटर की तस्वीर इंफ्रारेड इन्वर्टेड देखी थी। यहाँ तक कि 1880 में एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें जुपिटर का रेड स्पॉट नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा था। जुपिटर की सरफेस पर यह तूफान 17 सेंचुरी में दिखाई दिया था। उसके बाद 1979 में हमने पहली बार वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के जरिए जुपिटर के रेड स्पॉट को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा। उसके बाद हबल के जरिए भी इसे कई सालों तक स्टडी किया जाता रहा और साइंसदानों ने ये देखा कि ये रेड स्पॉट आहिस्ता आहिस्ता जुपिटर की सरफेस के साथ मूव कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जमीन पर आने वाले सुपर स्टॉर्म्स मूव करते हैं। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर जुपिटर का बहुत बड़ा तूफान किस तरह दूसरे बहुत बड़े तूफानों से मुख्तलिफ है। 2017 में जमीन पर आने वाला एक बहुत बड़ा तूफान जिसका नाम इरमा था, जब उसको स्पेस से देखा गया तो वो जुपिटर की सरफेस पर मौजूद रेड स्पॉट के जैसा था। ये दोनों काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे थे। रेड स्पॉट पर आने वाला स्टॉर्म एंटी साइक्लोन है जिसके सेंटर में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जबकि अगर ये तूफान सर्दी में जमीन पर आए तो ये बहुत हैवी स्नोफॉल के साथ पावरफुल होगा। अगर जुपिटर की इंफ्रारेड पिक्चर को देखा जाए तो नजर आएगा कि रेड स्पॉट जुपिटर के बाकी एटमॉस्फेयर के मुकाबले में बहुत ज्यादा ठंडा है, यानी इस रेड स्पॉट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। साइंसदानों को इस बात पर यकीन है कि जुपिटर पर सॉलिड सरफेस ना होने की वजह से जुपिटर की सरफेस पर यह तूफान जब जमीन से टकराता है तो कमजोर हो जाता है। इसी तरह का एक स्पॉट नेपच्यून की सरफेस पर भी पाया जाता है जो सिर्फ 5 सालों तक रहता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। सैटर्न के सरफेस पर व्हाइट स्पॉट हर 30 साल बाद नजर आते हैं। इसी तरह दूसरे सियारे पर भी ऐसे कई स्पॉट्स पाए जाते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि जुपिटर का रेड स्पॉट वक्त के साथ साथ बड़ा क्यों हो रहा है और ये गायब भी क्यों नहीं होता और ये 350 सालों से मुसलसल चल रहा है। इस बात को समझने के लिए कि जुपिटर की पोटी पर ये क्या हो रहा है, हमें इसको ज्यादा करीब से देखना होगा। सालों की स्टडी करने के बाद भी साइंसदान ये नहीं समझ पाए कि जुपिटर का स्पॉट इतना रेड क्यों है। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा तूफान जुपिटर के हल्के ब्राउन बादलों की तरह कैसे बना हुआ है, लेकिन शायद अगर हम ज्यादा करीब से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इस रेड स्पॉट में कुछ जगह ड्राई स्पिन की तरह है। केमिस्ट के मुताबिक रेड स्पॉट में जब बहुत ज्यादा तूफान आता है तो जुपिटर की गहराई से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उठते हैं और ऊपर के एटमॉस्फेयर में आते हैं, और फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से ये कंपाउंड सब्सटेंसेस बन जाते हैं जिनका रंग गहरा सुरख होता है। ये सब चीजें ये बता सकती हैं कि वक्त के साथ साथ ये रेड कलर येलो कलर में तब्दील हो रहा है।
और ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि पुरानी ड्राइंग्स में अगर देखा जाए तो ग्रेट रेड स्पॉट साइज में इतना बड़ा है कि इसमें हमारी स्मीथ जैसे तीन सियारे आसानी से आ सकते हैं। हब्बल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हमने ये ऑब्जर्व किया कि ओवल ग्रेट रेड स्पॉट 30 सालों से साइज में कम होकर गोल हो रहा है और साथ ही कई साइंसदानों का कहना है कि जुपिटर का ये रेड स्पॉट आने वाले 20 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस सब के साथ ही रेड स्पॉट के किनारों पर हवा की स्पीड तेज होती जा रही है, लेकिन साइंसदानों को ऐसा नहीं लगता कि ये तूफान को कमजोर कर रही है। आखिर इस स्पॉट के अंदर कौन सी चीजें छुपी हैं? 2017 में जूनो स्पेसक्राफ्ट जब इस स्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था तो इसके रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब हुए। ये इस तरह था कि स्पेसक्राफ्ट किसी बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाली चीज में चला गया है। इसका ये मतलब है कि इस स्पॉट की सरफेस के अंदर बहुत ज्यादा मास मौजूद है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस तूफान के अंदर बहुत बड़ा सियारा मौजूद है। लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट इस स्पॉट के करीब गया, इस स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद थर्मामीटर भी रेड हो गया और इसका टेम्परेचर पड़ने लगा। यहाँ पर टेम्परेचर करीब 226 डिग्री तक पहुँच गया। इस बात पर यकीन किया जाता है कि स्पॉट के तूफान की पेस सतह के थोड़ा अंदर है। जूनो की माइक्रोवेव स्टडी से ये पता चला है कि ग्रेट रेड स्पॉट सियारे के एटमॉस्फेयर में 500 किलोमीटर गहरा है। यहाँ पर टेम्परेचर इससे भी बहुत ज्यादा होगा। जूनो से हासिल होने वाले डेटा से कुछ साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला है कि रेड स्पॉट की लिमिट इतनी नहीं हो सकती कि वो स्पॉट के अंदर जाने के लिए किसी स्पेसक्राफ्ट को इसके अंदर 3000 किलोमीटर तक भेज सके। अब तक की ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि रेड स्पॉट बहुत गहरा और बहुत ज्यादा गर्म है, जो कुछ वजूहात की बिना पर एनर्जी खारिज नहीं करता। 1990 में जुपिटर की सरफेस पर इस तरह का एक स्पॉट बना था जिसको साइंसदानों ने रेड स्पॉट जूनियर का नाम दिया था और तब से उस स्पॉट की डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है। क्या पता आने वाले वक्तों में जब ग्रेट रेड स्पॉट खत्म हो जाए तो रेड स्पॉट जूनियर इसकी जगह ले ले। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।